पलामू जिले के मेनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत कोड़िया ग्राम से, जहां जल जीवन मिशन से संबंधित जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत राजधारी रांची की टीम द्वारा ग्रामीण महिलाओं को गांव के अखड़ा में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया। ट्रेनर असीम सिन्हा ने मिशन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि यह मिशन भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 से शुरू किया गया है। इस मिशन का मूलभूत उद्देश्य है कि देश की जनता को पीने के स्वच्छ पानी मुहैया कराना, दूषित पानी पीने से हो रहे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जाए, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भूगर्भ की दूषित जल ही कई गंभीर बीमारियों का जड़ है। इस क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिससे लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से अगर बचना है तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन द्वारा ग्राम स्वच्छता समिति बनाकर इस मिशन का लाभ उठाएं और स्वयं के साथ अपने आने वाले नौनिहालों को भी आज से ही स्वच्छ जल के साथ स्वच्छ वातावरण का निर्माण कराई जाए। इसी मिशन के तहत सरकार की आई एक टीम ने स्थानीय लोगों को कई जानकारियों से लाभान्वित किया। मिशन की टीम ने पूरे गांव का भ्रमण कर पानी के स्रोतों को देखा, समझा एवं लोगों से भी जल स्रोतों की जानकारी भी लिया, जिसके उपरांत प्रशिक्षण स्थल पर आकर ग्रामीणों की मदद से पूरी टीम ने भूमि पर ही कोड़िया ग्राम का एक नजरी नक्शा प्रदर्शित कर नक्शे पर हर उस चीज को दर्शाया जो ग्रामीणों के जीवन यापन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो गांव की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। मंदिर, मस्जिद, सरना स्थल व गांव के देवी देवताओं के स्थल व जल मीनार, चापा नल आदि को दर्शाते हुए चिन्हित किया। पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सफलीभूत करने में पूरी टीम का सहयोग सराहनीय रहा, जिसमें दिनेश कुमार गर्ग, प्रभात कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रीति दुबे के अलावे कई जल सहयोग की भी अहम भूमिका रही। कार्यक्रम की विधि व्यवस्था वार्ड सदस्य गीता देवी के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से मुखिया पति रविंद्र सिंह, जल सहिया उषा देवी, आंगनबाड़ी सेविका सुषमा देवी के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाएं चिंता देवी, श्यामा देवी, उर्मिला देवी, फागुनी देवी, सोहर सिंह, श्रीराम सिंह, अक्षय कुमार सिंह आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेगुलेशन संवाददाता सनी कुमार के साथ। आप देख रहे हैं द न्यूज रेगुलेशन। अभी ग्राम कोड़िया में जो है जल जीवन मिशन प्रशिक्षण आज चलाया गया, जिसमें उपस्थित जितने तमाम अधिकारी आए हुए हैं उन सबसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये आए और लोगों को क्या प्रेरणा दिए, क्या प्रशिक्षण दिए, उन सबसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरिता देवी है। मैं जल जीवन मिशन के तहत एक गांव में आई हुई हूं और यहां के ग्रामीणों से कुछ सीखने यहां आई हुई हूं कि यहां पर क्या दिक्कत है या क्या यहाँ पर पानी के सुविधा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी लेने आई हूँ और ग्रामीणों के बीच कुछ सीख करके यहाँ से जा रही हूँ। आपने लोगों को क्या प्रशिक्षण दिया? यही प्रशिक्षण दिए कि यहाँ पर जो अभी पानी के लेकर के जो पाइप अभी जल जीवन मिशन के नल से जल जो दिया जाना है वो सब कोई अपने अपने घर में अपना लगवाए, जल अपने अपने घर में कनेक्शन ले और जो सप्लाई पानी का, हाँ वो जल जीवन मिशन के तहत सब अपना अपना घर में जल का। तो मैम आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि सिन्हा, मैं रांची से आई हूँ। मैं जल सहिया मुखिया दीदी और ग्रामीणों को संदेश देने आई हूँ, प्रशिक्षण देने आई हूँ कि जल जीवन मिशन जो सरकार की योजना है वो सरकार की योजना नहीं, वो एक तरह से विकेंद्रीकरण प्रणाली के द्वारा जलापूर्ति पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करने के लिए हर घर नल से जल, ये समुदाय की योजना है। समुदाय में जब स्वामित्व की भावना आएगी और जल शुल्क वो लोग देंगे तो कनेक्शन लेंगे और ये सतत जल संरचना होगी और सतत जलापूर्ति होगी। तो जैसे मैम गांव में देखने को मिलता है जो चापाकल है, जो अभी लोग पानी यहाँ पे पी रहे हैं कुआं से चापाकल से, तो उसमें फ्लोराइड का शिकायत मिलता है, तो उसके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे जल जीवन मिशन की एक खासियत विशेषता ये है कि इसमें टेस्टेड वाटर मिलेगा, मतलब कि हर जल सहिया यहाँ हर ग्राम जल स्वच्छता समिति में समिति होती है और उसमें अध्यक्ष मुखिया और जल सहिया होते हैं, उपाध्यक्ष वार्ड सदस्य और 5 ऐसे 12 मेंबर होते हैं, लेकिन जल सहिया दीदी के साथ 5 और औरतों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, समूह बनाया जाएगा
जो कि समय समय पर एक प्रति माह या 6 माह पर या 3 तिमाही ये जल जांच किया जाएगा कि कौन सा अवयव इसमें जल को दूषित कर रहा है और दूषित होने का कारण क्या है, और उसकी उसका निदान अगर ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं मिला तो जिला स्तर पे, और जिला नहीं तो राज्य स्तर पे, जिला स्तर में लैब है वहाँ पर वाटर क्वालिटी टेस्ट होता है, वहाँ पहुँचाया जाएगा। इस तरह की चीज़ है, और जो हमको अगर गुणवत्तापूर्ण पानी लेना है तो ये पंचायत की परिसंपत्ति है और एक सरकार के द्वारा निश्चित शुल्क है 62 रुपये प्रति माह उसको देना पड़ेगा, ताकि उस पैसे से जो इसमें लगे हुए हैं जल सहिया सहयोग कर रहे हैं और ऑपरेटर हैं उसको उसका भुगतान किया जा सके, और जो बाकी पैसा बचेगा कभी कोई टूट फूट होती है या कहीं नल गड़बड़ हो गया या पाइपलाइन टूट गया तो उसका क्षतिपूर्ति उससे किया जाएगा उस राशि से, और जल संयोजन शुल्क एक बार जैसे हम किसी चीज़ का कंज्यूमर बनते हैं तो उसका जो शुल्क दिया जाता है तो उसके लिए भी है 310 रुपये एक बार दे करके 62 रुपये मासिक हमें देने होंगे, तभी जा करके शुद्ध पेयजल सबों को मुहैया होगा। तो जिस तरह से आपने बताया कि 62 रुपये पर मंथ देने होंगे और जो है कि शुद्ध जलाएंगे, तो सर ये बताइए उसे स्टोर करने का जो है, स्टोर करने के लिए उसे अलग से क्या किया जाएगा, जैसे वाटर जैसे 52 लीटर है वो पर डे आएंगे 62 रुपये उसका 30 दिन का चार्ज लगेंगे, तो ये जो खर्च है और ये जो पाइपलाइन है, तो सर पानी जैसे आया तो स्टोर करने के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या फिर अपना करना पड़ेगा? स्टोर इसमें लाभार्थी स्वयं करेगा, और देखिए ये जो पैसा लिया जा रहा है 62 रुपये या 310 रुपये ये सरकार भी दे सकती थी, लेकिन एक ओनरशिप डेवलप नहीं होती, अपनापन उस स्कीम के साथ गांव वालों का नहीं होता। अगर कोई चीज़ मुफ्त में दे दी जाए तो उसकी उतनी कीमत नहीं होती, लेकिन अगर अपना पैसा लगा है तो गांव वाला उसको अपना समझकर उसकी देखभाल करेगा, संचालन करेगा, और इस स्कीम के सफल होने में यही एक मूल मंत्र है कि आदमी अपनी स्कीम समझे और उसको तरीके से देखभाल करे ताकि वो निर्बाध रूप से चलता रहे, एक्टिव स्कीम रहे, नल खुलते ही पानी उसको मिल जाए जी, और उसको ध्यान भी रहे कि 62 रुपये हमें चार्ज देना है तो पानी को बचाना भी, वो सवाल कर सकता है। इससे जो पैसे जमा होंगे पूरे गांव के हाउस होल्ड से, उसके लिए 2 तरह का खाता खोला जाएगा ग्राम के नाम पर, जैसे रामनगर नाम है तो रामनगर जल स्वच्छता समिति करके अकाउंट खुलेगा बैंक में, जिसमें 310 रुपये और जो हर घर से मिलेगा, और फिर प्रति माह 62 रुपये जो लिए जाएंगे वो सारे पैसे जमा होंगे उसमें, बड़ी मरम्मती के लिए 310 रुपये वाले से, अगर 62 रुपये वाले अकाउंट से अगर नहीं हो सका तब उस अकाउंट को टच करेंगे जिसमें 310 रुपये प्रति घर से लिया गया है, और 62 रुपये से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टूट फूट मरम्मती जल सहिया को 30%, और पम्प ये ऑपरेटर जो है वो ग्राम सभा द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा, और 62 रुपये से कम या ज़्यादा करना है तो भी ग्राम सभा में ये निर्धारित किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा और अकाउंट में जमा होगा। अकाउंट का रख रखाव जल सहिया देखेंगी, जल सहिया कोषाध्यक्ष होती हैं, मुखिया उपाध्यक्ष और जल सहिया के हस्ताक्षर से ही उसमें से पैसा निकाला जा सकेगा। इस तरह से मैम आपने कोड़िया पंचायत में आपने प्रशिक्षण दिया लोगों को, अभी आप लोग का अभी और कहाँ कहाँ पे देने का मतलब नेक्स्ट टारगेट है? अभी देखिए हम लोग का क्या है कि अभी पलामू में कुछ ही ब्लॉक ऐसे हैं जो जहाँ पे अभी जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ है, जैसे लेशलीगंज हो गया, सदर प्रखंड है, सतबरवा है, विश्रामपुर है, हुसैनाबाद, हरियलगंज, इस तरह का है, और अभी और भी जितने भी रेस्ट बचे गए हैं ब्लॉक और जितने पंचायत बचे हुए हैं उनको भी हम लोग को आच्छादित करना है, और साथ ही इस कौड़िया पंचायत में हम लोग को मतलब जी जी लोगों को प्रशिक्षण दिया जिस तरह से जागरूकता लाए, और उम्मीद करते हैं इस कौड़िया पंचायत के गाँव, इस कौड़िया गाँव के जितने भी हमारे लाभुक के बेनिफिशरी हैं वो मतलब सप्लाई पानी जो हम लोग का जल जीवन मिशन के तहत है तो वो लेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे।